नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं विशाखा शर्मा, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों। मैं भी एक ऐसा सरकारी करूं, एक वृक्ष लगाऊं कि कोई पत्ती हुई धूप से जो है आकर के वृक्ष की छाया में शरण जब लेगा, ईश्वर को याद करे। कि मैं भी एक ऐसा सरकारी करूं, एक वृक्ष लगाऊं कि कोई तपती हुई धूप से जो है आकर के वृक्ष की छाया में शरण जब लेगा, ईश्वर को याद करे। नाम पूछ के नमस्कार, जय श्री राम। धन्वंतरी दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज आदरणीय महाराज जी के चरणों में हम सबको यहाँ पे आने का सुअवसर मिला। आज धन्वंतरी दिवस, जैसा आप जानते हो, आज हमारी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी जो है पेड़ पौधों पे टिकी हुई है। और आज जिनको पूरा इसका ज्ञान नहीं होने के वजह से और समय के अभाव के वजह से हम सब लोगों ने इसके ऊपर ध्यान कम कर दिया है, लेकिन कोरोना का असर पूरे विश्व में होने के बाद में हर किसी के अंदर अवेयरनेस आ गई है। हमने अपना समय हमारी अन्य चीज़ों से घटाकर अब कुछ पर्यावरण के तरफ देने का ध्यान जो दिया है हमने, क्योंकि यहाँ हमारे को जो चोट आई है कोरोना की, अगर हमारी पृथ्वी और हमारे पेड़ पौधे, जैसे कि हमारी इतनी औषधियाँ हैं, तुलसी है और काफ़ी औषधियाँ जो है, जैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, महाराज जी ने बगैर कुछ इतनी एजुकेशन नहीं किए हुए भी महाराज जी ने जो आज प्रण लिया है कि इस संस्था को या औषधियों को कल के दिन हम रहे ना रहे, ये पृथ्वी पे हमारी आने वाली पीढ़ी जो रहेगी, जो तकलीफ आज जो हो रही है वो उनको ना हो, इसलिए महाराज जी ने जो प्रण लिया है। और इनके प्रण के साथ में मैं महेंद्र लड्डा और समस्त गणेश सेवा मंडल और अन्य हमारे जितने भी भाई लोग हैं, क्योंकि देखिए कोई भी काम है, जैसे कहा जाता है महाराज जी के सामने तो मैं क्या ज्ञान की बात बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी अगर वानर सेना नहीं होती तो शायद वो पुल नहीं बंधा पाते थे और रावण पे युद्ध नहीं जीत पाते थे, क्योंकि उन्होंने तो लीला की थी, वो तो सर्वव्यापी थे। वैसे महाराज जी आज हमारे लिए राम जी है और उनके लिए हम सब वानर सेना है, और हम तो यही कहेंगे कि हम सबको मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करना है। आपने जैसे देखा कि इनकी जो गौशाला है महाराज जी की, मयूर विहार के अंदर भी है, जहाँ पे मृग नयनी गाय जो है, ये आपने देखा होगा कि उस गाय का पूजन बड़ी दुर्लभ प्रजाति से इसको देखने का सुअवसर मिलता है। तो मयूर विहार में यहाँ गाय को अगर जो भी देखता है, पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संतों ने इसका पूजन किया है, तो वहाँ पे करीब 40 गायें वहाँ पे है जो कि देसी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत नोएडा में सेक्टर 146 यहाँ जो जगह महाराज जी ने, यहाँ पे करीब 2200 के करीब गायें हैं, और इन गायों में कोई भी गाय दूध नहीं देती है, यहाँ गायें सारी वृद्ध है, इनका जो मेंटेनेंस होता है ये सब कुछ करना होता है। यह तो पता नहीं कोई भगवान ही है जो इतनी शक्ति महाराज जी को दी है। और हम लोग तो जैसे राम जी की सेना में गिलहरी ने अपना रोल अदा किया था पुल के लिए, वैसा हम रोल अदा कर रहे हैं। बाकी तो हम चाहते हैं कि महाराज जी के इस प्रयोजन में आप जितने भी सब लोग देख रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आप जरूर जैसे भी समय मिलता है आए, तन मन धन से इसका सहयोग करें और पृथ्वी के लिए और समाज के लिए इसके लिए आपका सदुपयोग हो, यह हम चाहते हैं। जय श्री राम। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।